नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे जो एसपीए क्लर्क का जो एग्जाम्स है प्रीलिम्स का, 10th ऑफ जुलाई, 11th ऑफ जुलाई, 12th ऑफ जुलाई और आपकी 13th ऑफ जुलाई का, राइट। इन 4 दिन में जो एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एक तरह से कह सकते हैं अपन, राइट, कि एग्जाम्स में आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, टाइम अपना कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट, और कितने एक अटेम्प्ट करने चाहिए, इसके बारे में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी अपन बात करेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। और भी कोई आपका क्वेश्चंस हो, सर ये मेरा क्वेश्चंस है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग कोई पूछना हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बात ध्यान रखिएगा, गाइडलाइंस के भी बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं कि सर वैक्सीनेशन जरूरी है और क्या गाइडलाइन है एसबीआई की तरफ से, वह भी अपन बात करेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 80+ मार्क्स, राइट, 80+ मार्क्स आप डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क में आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, राइट। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, अपन सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, इंग्लिश, मैथ और आपकी रीजनिंग एबिलिटी के बेसिस पे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है, इसके बारे में सभी कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, औरों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर वैक्सीनेशन कंपल्सरी है या नहीं है, देखिए वैक्सीनेशन की अगर आपके सिंगल डोज है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा क्लियर कट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, एकदम 1 मिनट में सभी जो एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है एसपीए की तरफ से सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन का क्वेश्चन था, वैक्सीनेशन किसी भी तरह से कंपल्सरी नहीं है, राइट, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज एक आपके लगी भी नहीं है तो भी आप एग्जाम्स में जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या क्या कंपलसरी है, देखिए मास्क आपका कंपलसरी है, मास्क आपको पहन के जाना है। एक चीज जो गाइडलाइंस में नोटेड है एसबीए की तरफ से कि आप अपना इंक पेड खुद लेके जाएं, ग्लू है जो ग्लू फेविस्टिक आती है फोटो वगैरह चिपकाने के लिए, वह भी आप अपनी खुद लेके जाएं, राइट, यह एक एसबीए ने मेंशन किया है। ओके, तो आप अपनी तरफ से लेके जाइएगा। एक चीज आरोग्य सेतु एप्लीकेशंस के ऊपर, आरोग्य सेतु अगर एप्लीकेशंस मोबाइल फोन में आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वहां पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा, उसके ऊपर आपको साइन करने होंगे कि हाँ मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन, कुछ चीजें पूछने और एग्जाम से रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचे, साथ में 2 से 3 फोटो रखें, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं 2 से 3 फोटो आपको साथ में रखना है। ओके, एक आपको चिपकाने जो एडमिट कार्ड है एकदम डिटो फोटो होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। ओके, और भी कोई क्वेश्चन हो एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग हो, एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो, पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट 4 से 5 ही आपके लिए बनती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द, अपन चलते हैं अब डायरेक्ट सेशंस में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की बात करते हैं, गाइडलाइंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की बात करते हैं, देखिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट, टोटल 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, राइट, सभी को पता है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेपर जो खुलेगा ना, अगर आप ओपन करोगे स्टार्ट में तो पहले 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ही देखने को मिलेंगे, जो 30 मार्क्स के आपके रहेंगे। ओके, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का,
यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का इंग्लिश एक ऐसा फोबिया है, सर इंग्लिश ना हो तो हम एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें, सर इंग्लिश में हमसे अटेम्प्ट नहीं होते, सर इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बन पाती, राइट। तो वही एक स्टूडेंट का फोबिया रहता है। आप में से किसी भी स्टूडेंट का ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, राइट। और आपका एग्ज़ाम्स कब है यह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, 10th को है, 11th को है, 12th को या 13th को है, जरूर टाइप करिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, प्लीज़ ध्यान से देखते रहिएगा अच्छे लेवल पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, ओके, यानी कि जिसको शॉर्ट में कहते हैं पैसेस। लगभग इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 7 से 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट अपन मान के चल रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के देखने को मिलेंगे। ओके, एक चीज नोट करिएगा, राइट। अगर मान लीजिए आपकी रीडिंग, राइट, आप डेली बेसिस पे रीडिंग करते हो, डेली बेसिस पे रीडिंग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स वगैरह कुछ पढ़ते हो, राइट, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, पहली बार आप अगर पेपर्स एग्जाम्स में खोलें, राइट, तो अगर आपके सामने ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी आए, राइट, जैसे किसी एरर डिडक्शंस आ गए, तो ध्यान रखिएगा अटेम्प्ट करने का तरीका है सबसे पहले वह चीज़ की जाए जो आपको आती है, राइट, जो आपको एकदम श्योर है कि हाँ मेरी रीडिंग अच्छी है, डेफिनेटली मैं पैसेज में अगर 7 से 8 मार्क का है तो डेफिनेटली मैं 5 से 6 मार्क्स तो लेके ही आ जाऊँगा, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी अच्छी है तो पहले इसको अटेम्प्ट करिएगा। ओके, अगर नहीं है तो बाय चांस आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो इसको स्किप करके आप जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है उस पर जा सकते हैं। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7 क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी एक अटेंड करने का सबसे बेस्ट वे होता है, राइट। सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, राइट, पूरा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले क्वेश्चंस हैं, राइट। यहाँ पर देखिए जो आपकी मॉनिटर होगा ना, यहाँ पर पूरा पैसेज गिवन होगा, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके ऑप्शंस होंगे, राइट, ये आपके ऑप्शंस होंगे। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर आंसर्स देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, देन स्किप करके चलिए। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करिए, फिर सेकंड क्वेश्चंस पढ़िए। ऐसा करते करते आप क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे ना, 2 वोकैब बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, वह भी आप आंसर्स दे सकते हैं डेफिनेटली विदाउट रीडिंग, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, पढ़ते पढ़ते आपको पूरा पैसेज की टोन समझ में आ जाएगी कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के बारे में वह बात कर रहा है। ओके, किसके बारे में बता रहा है, कोई स्टोरी बेस्ड पजल है या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी बेस पर, इकोनॉमी बेस पर आपकी, सॉरी, इकोनॉमी बेस पर रीडिंग ऑन प्रीहेशिव पैसेज है, राइट। तो टॉपिक आपको पता चलने के बाद आप डेफिनेटली प्रत्येक क्वेश्चन के आप आंसर दे पाओगे। ओके, सेकंड, आपकी स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड, जो वर्ड होते हैं ना उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। 4 से 5 क्वेश्चंस इसके रहते हैं, राइट, मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग एरर, राइट। जैसे बहुत बार, राइट, प्रत्येक एसबीआई के एग्जाम्स में एकोमोडेशंस की एक स्पेलिंग पूछी जाती है, प्रत्येक एग्जाम मैंने डेफिनेटली देखा, स्टूडेंट से पूछा है एकोमोडेशंस की स्पेलिंग पूछी जाती है, राइट। और भी बहुत सारे स्पेलिंग है, राइट, आपकी एक तरह से कहे हैं जो एक अचीवर्स हैं, राइट, अचीवर्स की स्पेलिंग पूछी जाती है आपकी, राइट। तो स्पेलिंग एरर आप पर्टिकुलर रीडिंग करते करते उन स्पेलिंग एरर को भी ध्यान से पढ़े, स्पेलिंग में कौन सी चीज़ गलत है या वर्ब के अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गलत है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये कब तरीका अच्छा होगा, जब आप रीडिंग के साथ 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 स्पेलिंग को भी ध्यान से रिवाइज करते चलोगे। ओके, फिर आता है आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट। एक तो कॉन्सेप्ट होता है सेंटेंस जो आपके पैराजम्बल होते हैं, एक होता है ए पूरा सेंटेंस, बी पूरा सेंटेंस, सी पूरा सेंटेंस, डी पूरा सेंटेंस एंड ई, राइट। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना वो थोड़े से इजी रहते हैं एज कम्पेयर टू द पैराजम्पल्स, राइट। तो अगर रीडिंग है ना तो रीडिंग से पर्टिकुलर आपकी ये चीज़ कर ले क्लियर होगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट किसी भी तरह का ग्रामर कॉन्सेप्ट नहीं लगता, रीडिंग करते करते ही आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इसके भी 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर होगी। नेक्स्ट एरर, राइट,
एरर के क्वेश्चंस जो पूरे ऑल ओवर आपके ग्रामर बेस पर होते हैं, कुछ इसमें लगभग 10 क्वेश्चंस पूछता है एरर के, राइट। लगभग 10 क्वेश्चंस मान के चलिए, करीबन करीबन 6 से 7 क्वेश्चंस तो पूछेगा ही पूछेगा। तो 6 से 7 क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस तो केवल और केवल रीडिंग करते ही आपको आ जाएंगी, राइट। रीडिंग करते ही अगर आपने मेहनत की है, रीडिंग में आपका आपने अपना टाइम लगाया है, तो डेफिनेटली आप रीडिंग करते करते ही 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपको ग्रामर के रूल्स वो नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप रीडिंग करते करते ही आंसर दे दोगे 2 से 3 क्वेश्चंस, ओके। बाकी ऑल ओवर रिमेनिंग है, बस ओनली फॉर आपको अटेम्प्ट इस तरह से करना है कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो, राइट। तुक्के नहीं मारने हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देखते कुछ नहीं है, केवल एक तरह से तुक्के मार कर आ जाते हैं, राइट। तो अपने को तुक्के नहीं मारना है, जो चीज़ आए उसको करेक्ट करिए। आपकी चाहे 14 अटेम्प्ट हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सारे के सारे अगर आपके एक्यूरेट होंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ओके। 100% एक्यूरेसी, इसका चीज़ का भी ध्यान में आप रखिएगा, ओके। एक लास्ट में आपको क्लॉस्टल्स भी मिल सकता है, यह भी रीडिंग पेज पर। देखिए पूरा कंप्लीट आपका पेपर से कुछ भी नहीं है, ग्रामर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा जो भी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पेज पर। स्पेलिंग अगर आप देखते हैं तो ग्रामर इसमें भी नहीं है, आप अगर पढ़ते पढ़ते स्पेलिंग पहचान पाते। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका रीडिंग पेज पर। क्लोज टच पूरा का पूरा आपके रीडिंग पेज पर। तो डेफिनेटली रीडिंग से आप एक इंग्लिश का सेक्शन से क्लियर कर पाओगे, ओके। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, मैंने लगभग 75+ इडियम्स एंड फ्रेजेस दी है एक पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपको चाहिए, आपके पास समय है, तो डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको याद करके रिवाइज करके चले जाइएगा। ये तो था आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा कैसे आपको अटेम्प्ट करना, यह भी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ओके। कोई क्वेश्चन हो इंग्लिश के रिगार्डिंग पूछ लीजिएगा। नाउ बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर्स खुलेगा, ओके। कुछ भी नहीं है इसमें, 4 टॉपिक है। पहला सिंप्लीफिकेशंस, डीआई और मिसिंग नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, राइट। इन 4 टॉपिक से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को क्लियर कर सकते हैं, क्वांट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है, ओके। ये 4 टॉपिक लगभग 10 क्वेश्चंस इससे बनते हैं, 2 डीआई इसमें बना देगा 20 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस बना देगा 25 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट अर्थमेटिक के डाल देगा, राइट। तो 35 क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे क्वांट के इसमें होंगे, ओके। देखिए अटेंड करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर सबसे पहले पेपर खुलेगा ना, तो आपके सामने डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चंस अर्थमेटिक फेंकेगा, राइट। अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, राइट। तो अपने को पूरी तरीके से एक बात ध्यान रखिएगा रहना है कि हाँ, मेरे को अर्थमेटिक अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। अब डायरेक्ट जाइए, पहले अटेम्प्ट करिए जैसे मैंने लिखा है सिंप्लीफिकेशंस के सारे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के करके डाल दीजिए। गारंटी कह सकता हूँ आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, आप एकदम टफ से टफ क्वेश्चन भी ईजिली कर पाओगे। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का पहला तरीका, इसीलिए मैंने सीक्वेंस लिखा है किसको किस कब अटेम्प्ट करना है। उसके बाद डीआई आप ज्वाइन करिए, डीआई को अटेम्प्ट करिए, बहुत ईजी डीआई देता है। केवल केवल आपको ऐड करके वैल्यू रखनी होती है, कुछ नहीं करना, ओके। उसके बाद देन आप मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों में कोई आपको मिलता है उसको अटेम्प्ट करिए। देन आफ्टर दैट अगर आपके पास समय मिले तो आप अर्थमेटिक पे जा सकते हैं, राइट। ये आपका बोनस पॉइंट रहेगा, आपके पास समय मिलता है डेफिनेटली अर्थमेटिक में जाइए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर पाते हो, कौन सा ऐसा होता है ना कि मेरा ये टॉपिक सबसे बेस्ट है। एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस आ गया, छोड़ूंगा नहीं। एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क आ गया, छोड़ूंगा नहीं, राइट। एग्जाम्स में ऐसा नहीं हो कि आप कंटिन्यू करते रहे, बीच में ऐसा सीआई का बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डाल दिया, उसमें भी आप अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, राइट। आप ईगो मत करिएगा कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चंस करके ही रहना है,
एग्जाम्स में नहीं चलता, जो आपको आता है उसको पहले करिएगा। ओके क्लियर। एक एक चीज यह भी है, स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर अटेम्प्टेंट के बेसिस पे, राइट। देखिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अगर आपकी पेपर आपकी प्रिपरेशंस अच्छी है, पेपर किस लेवल पे पूछा जाता है उसके ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो कि लास्ट टाइम 67 कट ऑफ गई है सर मेरे स्टेट में, तो इस बार तो मैं करीबन करीबन 70 से 73 तक अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। देखिए ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए, इस चीज को कि 70 से 73 अटेम्प्ट करूंगा तो सिलेक्शन होगा, डिपेंड ओनली फॉर पेपर। आपका पेपर कैसा रहता है इसके ऊपर डिपेंड है। आप यह टारगेट लेके चलोगे कि मेरे को 70 अटेम्प्ट करने हैं, 73 अटेम्प्ट करने हैं, यकीन मानिए क्वेश्चंस गलत करके आओगे। एक एक चीज वहां पर चेक होती है और एक एक चीज के नंबर भी वहां पर कट जाते हैं जो गलत होती है। ओके तो अपना टारगेट मत बांधिए, जितने आते हैं उतने अटेम्प्ट करके आपको आना है। ओके तो इन चारों टॉपिक बेस पर मैंने कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज दी है, राइट। अगर आपकी अभी भी काम आ सकती है तो डेफिनेटली आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ओके ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी पीडीएफ है, टॉप 50 क्वेश्चंस की रॉन्ग नंबर सीरीज। मेरी बात मान लीजिए, अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को कर लिए ना, गारंटी कह सकता हूँ एग्जाम्स में एक भी पैटर्न इनसे बाहर नहीं पूछेगा। मिसिंग नंबर सीरीज पूछे तो मिसिंग नंबर्स के 50 क्वेश्चंस, आर्थमेटिक पूछे तो आर्थमेटिक के 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने दे रखा है, सिंप्लीफिकेशंस के 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ दे रखा है, कंप्लीट पेपर का मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ मैं। ओके पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट टाइम में आप इतना मेहनत जरूर कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर जिनका एग्जाम्स 13th of July को है, 12th of July को है, उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। ओके तो डेफिनेटली आप चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाउ लेट्स कम टू द रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में सबसे बड़ा चीज जो है आपकी पजल, राइट, जो है आपकी पजल, पजल सेटिंग अरेंजमेंट, राइट। लगभग एग्जाम्स में 4 पजल पूछता है SPI, लगभग 4 पजल्स यानी कि 20 क्वेश्चंस, प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 सेट है तो 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए अब एक बात ध्यान नोट करिएगा, अगर आपकी पजल्स की टाइमिंग, पजल्स में स्पीड बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेते हो तो यकीन मानिए पहले रीजनिंग में ओनली फॉर पजल्स पे जाइएगा। ओके सारे पजल्स करके डाल दीजिए, लगभग 4 पजल्स में आपको मैक्सिमम आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम है 8 मिनट। 4 पजल्स हुए, 20 मार्क्स आपने कवर कर लिए, गारंटी है कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप होगा, बाकी के रिमाइंडिंग आपकी जो क्वेश्चन है, जो बाकी के रिमाइंडिंग 15 क्वेश्चन है विद इन सेकेंड्स में आप कर लो। ओके बाकी पजे कुछ आपकी जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। मैंने टॉपिक भी लिखे हैं कुछ डायरेक्शंस, इनइक्वालिटी, लेटर एंड नंबर सीरीज का, कुछ मिशलेनियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। तो अगर पजल अच्छी है, राइट, आप कुछ भी लेक करते हो, देखिए पजल में एक में अगर आपने एंटर कर लिया, पजल्स को पूरा पढ़ लिया कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज कम है तो उसको ही अटेम्प्ट करिएगा। एक बार एंटर करने के बाद, एक बार ध्यान रखिएगा, एंटर करने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद अगर आप सॉल्व नहीं करते तो ये आपका लॉस होता है। पढ़ लीजिए, सॉल्व हो सकता है तो करिए डेफिनेटली, फिर नहीं होता है तो स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ जाइए। ओके डायरेक्शन सेंस बहुत ईजी है, इनइक्वालिटी ओनली फॉर आपके यही वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, केवल मॉनिटर पर देख के ही आंसर देना है, 5 क्वेश्चंस के रहते हैं, लेटर एंड नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 5 मिसलेनियस के 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके अटेम्प्ट एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा ओनली फॉर, ये आपकी एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है, ये एग्जाम्स में आपका जब रिजल्ट आएगा ना तो पता चलेगा। एक चीज फिर बता देता हूँ
कि अब 70-73 इस टाइप के जो टारगेट स्टूडेंट लेके चलते हैं कि सर मैं इतना अटेम्प्ट करूँगा इतना अटेम्प्ट करूँगा, एक पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं ना कि अपने ऊपर बना लेते हैं कि हाँ 70-73 अटेम्प्ट करना है। मैं ऐसा कुछ मत करिएगा, जो आपको आता है मेहनत अगर आपने की है एग्ज़ाम्स आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट, मेहनत भी नहीं की है, केवल एक तरह से वो कहते हैं ना ज्ञान देना। राइट, मेहनत भी नहीं की है, कैसे होगा एग्ज़ाम्स, बहुत डर के मारे। राइट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डरते हैं। राइट, एग्ज़ाम सेंटर्स में बहुत ज़्यादा एक तरह से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जितना आता है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए, आपके पास यह एग्ज़ाम्स हैं, यह नहीं होगा तो आपके पास RRBs के हैं, यह RRBs के भी नहीं होता तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज IBPS क्लर्क आएगा। राइट, है आपके पास अपॉर्चुनिटीज। राइट, बट जो भी आप दे रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ अब तो मैं इसको डू इट, आई कैन डू इट। राइट, आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, एग्जाम्स दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ये पूरा कंप्लीट सेशन था। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए, मोटिवेटेड रहिएगा। कुछ भी नेगेटिव पॉइंट, कुछ भी इस टाइप की जो एक तरह से होते हैं ना अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, राइट, कुछ नहीं सोचना, आपको यही सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम्स अच्छा होगा, मैंने मेहनत की है। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका डेट कौन सी एग्जाम्स की वह कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।